रिजल्ट हमारे पास ये है कि आर क्वाइस कनेक्टेड स्पेस इज़ कनेक्टेड, यानी एक आर क्वाइस कनेक्टेड स्पेस को हम कनेक्टेड स्पेस कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लेट अस टेक अ स्पेस एक्स व्हिच इज़ आर क्वाइस कनेक्टेड एंड वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज कनेक्टेड। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, कनेक्टेड। तो एक स्पेस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक स्पेस तब कनेक्टेड होगा जब उसके लिए सेपरेशन एग्जिस्ट ना करें, उसके लिए सेपरेशन एग्जिस्ट ना करें, ठीक है। तो जो हम प्रूव कर रहे हैं, दिस इज एक्स इज कनेक्टेड, तो हम कंट्रोरी एक से पोजिशन करते हैं कि नहीं, एक्स इज लेट एक्स इज डिसकनेक्टेड। तो अगर एक्स डिसकनेक्टेड है तो यहाँ पे तो एक चीज़ ये है कि उसके लिए सेपरेशन एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हमारे पास एक रिजल्ट भी है कि अगर एक स्पेस है, एक्स कनेक्टेड है, कनेक्टेड तब होगा अगर वहाँ से हमारे पास रिजल्ट हमारे पास है कि एक्स कनेक्टेड होगा अगर वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ना करे फ्रॉम एक्स टू 0 1। 0 1 इज़ अ डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस का आप लोगों को पता है, विच इज़ कॉन्टीन्यूस एंड ऑन टू, यानी अगर स्पेस कनेक्टेड है तो उसके लिए कोई भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि कॉन्टीन्यूस भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि एक्स इज़ डिसकनेक्टेड, तो इसका मतलब यह है कि इसके लिए एग्जिस्ट करेगा एक फंक्शन एक्स फ्रॉम 0 to 1 जो कि हमारे पास कंटिन्यूस भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये किस वजह से? क्योंकि स्पेस डिसकनेक्टेड है तो उसके लिए एग्जिस्ट करेगा हमारे पास एक फंक्शन एक्स टू 0 1। 0 1 इज़ अ डिस्क्रीट स्पेस जो कि कंटिन्यूस भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है, एफ इज़ ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब ये है कि इनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर 0 and 1 देयर एग्जिस्ट x1 and x2 बिलोंग टू x सच दैट f ऑफ x1 की इमेज 0 आएगी एंड f ऑफ x2 की इमेज 1 आएगी बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो स्पेस है, दिस इज ऑलरेडी आर्कवाइज कनेक्टेड। तो अगर आर्कवाइज कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पे एक फंक्शन एफ़ मैंने इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि एफ़ पहले से यूज़ हुआ है तो मैं जी ले रही हूँ। तो आर्कवाइज कनेक्टेड स्पेस की डिफिनेशन हम यूज़ करेंगे कि वहाँ पे एक फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 एक्स एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम 0 1 to x विच इज़ अ होमियोमॉर्फिज्म विथ के एफ ऑफ 0 पे। अब देखिए एक्स से हमने पहले से दो एलिमेंट्स लिए हैं तो ये 0 पे एक्स 1 देगा और 1 पे ये हमें एक्स 2 देगा बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आर्कवाइज कनेक्टेड स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो क्लियरली जी हमारे पास होमियोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से जी हमारे पास कंटिन्यूस भी बन जाएगा और एफ जो है एफ पहले से हमारे पास कंटिन्यूस है। तो एक फंक्शन हमारे पास आया है एफ फ्रॉम एक्स टू 0 1 और दूसरा जो फंक्शन आया है दिस इज जी फ्रॉम 0 1 to x। दिस इज क्लोज इंटरवल एंड दिस इज डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है। और दोनों हमारे पास कैसे फंक्शन है? बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इनको हम कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास फंक्शन है, दो फंक्शन आ गए हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं। तो हमारे पास जी जो फंक्शन है वो 0 1 से स्टार्ट होकर एक्स पे जाता है और फिर यहाँ से एफ को अगर देखा जाए तो एफ एक्स से शुरू होकर 0 1। पता है कि दो जो फंक्शन है कंटिन्यूस, उनकी जो कंपोजिशन है दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगर ये कंटिन्यूस है सो दिस इम्प्लाइज देयर एफ कंपोजिशन जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 0 1 क्लोज इंटरवल टू 0 1 डिस्क्रीट स्पेस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एफ कंपोजिशन जी हमारे पास 0 1 से 0 1 डिस्क्रीट स्पेस तक है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम एक और प्रॉपर्टी चेक करना चाहें,
जब इसको ज़ीरो असाइन करें तो चेक करते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। तो यहाँ से कंपोजिशन की प्रॉपर्टी हमें पता है, दिस इज एफ कंपोजिशन, जी दिस इज कंपोजिशन एंड दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो पे इमेज हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इज़ जी, दिस इज़ ये जी है हमारे पास, सॉरी ये मैंने मिस्टेक की है। तो यहाँ से जी ऑफ ज़ीरो पे ये हमें क्या दे रहा है, एक्स वन। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन हमें क्या दे रहा है, एफ ऑफ एक्स वन हमें ज़ीरो दे रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो पे हमें ज़ीरो दे रहा है और कंपोजिशन जी, इसको हम वन पुट करते हैं, कंपोजिशन जी ऑफ वन। तो जी ऑफ वन पे हमारे पास ये एक्स टू दे रहा है और एफ ऑफ एक्स टू पे ये हमें वन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं दोनों के लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली जो एफ कंपोजिशन जी है, दिस इज़ क्लियरली ऑन टू एंड आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ कंपोजिशन जी जो है, दिस इज़ फंक्शन फ्रॉम ज़ीरो वन टू दिस स्पेस विच इज़ क्लियरली ऑन टू एंड कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन हमारे पास आए हैं, तो यहाँ से अगर हम इस थ्योरम की तरफ देखें, जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि अगर वहाँ पे हमारे पास इस सच कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए तो जो कि ऑन टू भी हो और कंटिन्यूस भी हो, तो फिर उस स्पेस को हम कहते हैं कि दिस इज़ डिसकनेक्टेड, ठीक है। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो कनेक्टेड। तो यहाँ पे अगर देखा जैसे हमारे पास फंक्शन आया है एफ कंपोजिशन जी विच इज़ फ्रॉम ज़ीरो वन, जो कि ऑन टू भी है और कंटिन्यूस, सो बाई यूजिंग दैट वन रिजल्ट वी कैन से दैट ज़ीरो वन इज़ डिसकनेक्टेड। तो अगर ज़ीरो वन डिसकनेक्टेड है तो यहाँ से हमें ये पता है कि जो क्लोज इंटरवल्स होते हैं दीज आर ऑलवेज कनेक्टेड। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट मौजूद है उसमें ये कनेक्टेड है ऑलवेज, और इस रिज़ल्ट ने हमें ये बताया है कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डिसकनेक्टेड। तो दिस कंट्रडक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग सपोजिशन दैट वी हैव सपोज दैट एक्स इज़ डिसकनेक्टेड, सो वी एक्सेप्ट दैट एक्स इज़ कनेक्टेड। यहाँ पे कंट्रडक्शन अराइज हुआ, और ये कंट्रडक्शन कैसा था कि ज़ीरो वन, इसने मुझे बताया कि जो ज़ीरो वन क्लोज इंटरवल है दिस इज़ डिसकनेक्टेड। तो हम यहाँ से कंट्रडक्शन की वजह से हमारे पास एक रॉन्ग रिजल्ट आया है, सो वी एक्सेप्ट दैट एक्स इज़ कनेक्टेड।